आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम व्हाइट सॉस पास्ता बनाने लगे हैं, और जो हमारे पास घर में इजीली चीजें मौजूद होती हैं उनसे हम व्हाइट सॉस अपना पास्ता बनाएंगे। और ये मेरे छोटे भाई की फरमाइश है जिसके ऊपर मैं व्हाइट सॉस पास्ता बनाने लगा हूँ। अच्छा, तो हम क्या उनका यूज कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स? सबसे पहले ये कि हमारा जो चिकन इसके अंदर यूज होना है, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में मुख्तलिफ लोग घरों में हर तरह का डिफरेंट चिकन यूज़ करते हैं। कुछ स्ट्रिप्स में यूज़ करते हैं, कुछ जूलियन कटिंग में, कुछ क्यूब कटिंग में स्मॉल। तो मैंने बेसिकली, मेरे पास चिकन थोड़ा कम था तो मैंने क्यूब कटिंग में छोटा छोटा क्यूब काट लिया। और इसमें सबसे पहले, और उसको सबसे पहले जिस तरह पहली वीडियो में दिखाया है कि उसको विनीगर डाल के वॉश किया है। अब ये चिकन देख सकते हैं इस टाइम बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्मॉल क्यूब कटिंग में। उसमें सबसे पहले थोड़ी सी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर रेसिपीज कई तरह की हैं, लेकिन जो मुझे इजीली पता है और जो मैं इजीली अपनी चीज़ों को यूज़ करके घर की बना सकता हूँ डिफरेंट अपने आइडियाज से, तो मैं ये वो आपको वीडियो में शो करवा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपका है, थोड़ी सी आप सोया सॉस डालेंगे। अंदाजे से अंदाजे से नहीं है ये आपका चिकन। अगर आपने बोनलेस चिकन लिया है, इस टाइम मेरे पास चिकन जो है कम से कम 150 ग्राम टू 180 ग्राम के करीब है, 400 ग्राम पास्ता के लिए। ठीक है, बॉयल पास्ता 400 ग्राम, नॉट कच्चा रॉ फॉर्म में नहीं, आफ्टर बॉयलिंग के बाद है। उसके लिए मैंने जो लिया है 150 से 180 ग्राम चिकन है, इसमें 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस डाली है, 1/2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर चिल्ली सॉस है, सेम 1/2 टेबल स्पून के करीब वॉस्टरशायर सॉस है इसमें, देन आप इसके अंदर जो ऐड करेंगे अपना थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देने के लिए चिकन पाउडर, ये आपका 1/2 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर इसमें जाएगा। उसके बाद आप इसमें सेम 1/2 टीस्पून के करीब अपनी ब्लैक पेपर डालेंगे, हाफ टी स्पून टेस्ट के मुताबिक, हसबे जायका आप अपना नमक ऐड कर दें इसमें, क्योंकि व्हाइट सॉस में भी नमक होगा। फिर इसके अलावा आपने जो अपना ये चिकन है उसमें भी नमक होगा, तो कहीं एक्स्ट्रा नमक ना हो जाए। थोड़ी सी इसके अंदर आप रेड क्रश चिल्ली ऐड कर दें। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके अंदर, क्योंकि पैन पे तो हम ग्रीसिंग करते ही करते हैं ऑयल की, तो थोड़ा सा बेहतर होता है कि अगर आप मैरिनेशन करते हुए अपना ऑयल यूज़ कर लें। ऑयल भी मैंने डाल दिया है, अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। और ये आप देख सकते हैं चिकन का कलर कितना ज़बरदस्त और कितना अच्छा हो चुका है। मैरिनेशन रेडी हो गई, लाइट सी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं और ना बहुत ज़्यादा, आप इसको कह सकते हैं कि फिक्की सी है वो भी नहीं। और अब मैं इसको अपना थोड़ा सा 15 से 20 मिनट के लिए स्टे इसको अपने फ्रिज में करवाऊंगा, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर दे जब ये बने। ये चीज़ है और ये रेड चिली पाउडर है, ये चिकन पाउडर है, ये ब्लैक पेपर है, ये सॉल्ट है, और ये एलपिनो है, और ये ऑलिव है, ये मशरूम है, और ये है ग्रीन पेपर, बेल पेपर, और शिमला हमारा मिर्च। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो हम करने लगे हैं, वो ये है कि हमने जो अपनी व्हाइट सॉस रेडी करनी है। व्हाइट सॉस बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वो ये है कि आपने व्हाइट सॉस जो बनानी है उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आपके पास मैदा होना चाहिए, बिल्कुल
बिल्कुल थोड़ा सा आपने अपने नॉर्मल घर के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाना है, उसके लिए आपके पास 40 से 60 ग्राम मैदा, बटर हो जाए तो ठीक है, बटर नहीं है तो आपके पास ऑयल होना चाहिए, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं, कुकिंग ऑयल वगैरह। पहले आपने सबसे पहले उसको व्हाइट सॉस बनाने के लिए बटर या ऑयल के साथ मैदे को अच्छी तरह भूनना है। जब वो भून जाए तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो इन्ग्रीडियंट है वो व्हाइट सॉस का है दूध। दूध के साथ आपने दूध एक तरफ से, फिर आप थोड़ी सी सॉस रेडी करने के लिए कम से कम 250 ml या 300 ml के करीब आप अपना दूध ऐड करेंगे, लेकिन एक बिल्कुल स्लो मिकदार के अंदर आप ऐड करते जाएंगे, साथ साथ आप विस्क चलाते जाएंगे। इससे ये होगा कि ना तो वो दूध फौरन नीचे चिपकेगा, ना ही वो वेपोरेट होके उड़ जाएगा, वो अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाएगा। देन आप उसके बाद देखेंगे आपकी सॉस थिक होना शुरू होगी, उसके बाद आप अपने जो स्पाइस ऐड करना चाहते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से वो ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है, चिकन पाउडर है, रेड क्रश चिल्ली है, तो मैं ये इन 5 स्पाइस को यूज़ करके अपनी व्हाइट सॉस बहुत अच्छी रेडी कर सकता हूँ। और अगर तो क्या कहने आपके पास ऑरिगानो, तो ऑरिगानो मेन इटालियन डिशेस के मेन चीज़ है। हर्ब्स जितने भी होते हैं, रोजमेरी, ऑरिगानो और ये जितने हर्ब्स हैं ये बहुत अच्छे फ्लेवर देते हैं, स्पेशली इन पास्तास में। तो बस मैं थोड़ी देर तक व्हाइट सॉस अपनी रेडी करूंगा, साथ अपने चिकन को रेडी करूंगा और उसके बाद इनकी मिक्सिंग करूंगा, फिर देन उसके बाद हम सब इंजॉय करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। बनाने लगे व्हाइट सॉस के लिए, सबसे पहले तो आपके पास अगर तो कोई कुकिंग नॉन स्टिक कोई पैन, सॉस पैन, या नॉन स्टिक कोई देच का, या कोई नॉन स्टिक फ्राई पैन अगर आपके पास है तो वो सबसे बेस्ट होता है। और आपको स्पून भी उसके अंदर कोशिश करें, वुडन स्पून यूज़ करें, कोई स्टील वगैरह का ना करें कि आपकी नॉन स्टिक जो चीज़ है वो ख़राब ना हो। सबसे पहले हम इसमें, मैंने बताया था, 60 से 70 ग्राम के करीब ऑयल लेंगे, ठीक है। और ये ऑयल मैंने ले लिया। ऑयल लेने के बाद आपका फ्लेम जो चूल्हे का होना चाहिए या जो भी कुकिंग रेंज वगैरह आप लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत मीडियम से थोड़ा लेस यानी स्लो फ्लेम होना चाहिए, ताकि आप उसको अच्छी तरह भून लें और सारा कुछ आपका बिल्कुल सही चलता रहे। फर्स्ट स्टेप है, इसमें ऑयल डालेंगे। उसके बाद अब मैं ये मैदा इसमें ऐड करने मैदा लगा हूँ। मैदा और कितना लिया है मैदा हमने? इसके अंदर जो है हमने लिया था, ये आपका मैदा है 100 ग्राम के करीब मैदा, 100 ग्राम। और ऑयल भी, अगर आप ऑयल भी अपना 100 ग्राम ले लें, मैदा भी 100 ग्राम ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये जब आप इसको अच्छी तरह भूनेंगे एक बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और ये आप देख सकते हैं ये बबल्स बन रहे हैं इसके अंदर, और ये बहुत अच्छा इसका टेक्सचर इस टाइम लग रहा है। पहले मैंने ये हाफ ऐड किया था और ये पकाया, मैं आपको मज़ीद ऐड कर दिया इस पर, ये फिनिश हो गया। ये इसका फॉर्म आ जाएगा, लेकिन कोशिश करें थोड़ा अच्छी तरह इसको भून लें। एक बहुत अच्छी इसकी स्मेल आ रही है, लाइक जब आप आटे को घी या मक्खन के साथ भूनते हैं या ऑयल के साथ, तो सेम एक वैसे ही आपको खुशबू आती है भूनते हुए। और ये इसका टेक्सचर है, दूध मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं अब इसके अंदर दूध जो है वो ऐड करूँगा, लेकिन बहुत स्लो स्लो साथ ऐड करूँगा और कोशिश करूँगा इसके साथ विस्क मैं साथ साथ चलाता जाऊँ। और आप लोगों ने भी कोशिश करनी है, विस्क हो तो उसके साथ ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग हो सकती है।
अब मैं दूध ऐड करने लगा हूँ और ये मैं बिल्कुल मैंने कट किया हुआ है, स्लो स्लो मैं इसके इसको ऐड करूँगा। और इसके लिए मेरे पास एक विस्क है और मैं ये विस्क के साथ बिल्कुल स्लो स्लो मकदार में ऐड करूँगा। याद रखें कि फ्लेम आपका जो है बिल्कुल स्लो होना चाहिए। दूध आपने ऐड करते जाना है। ये 1/4 400 ग्राम पास्ता जो बॉयल है मेरे पास, मैं उसके लिए ही अपनी सॉस रेडी कर रहा हूँ। चेक कर सकते हैं मुसलसल स्लो मिकदार में जो मिल्क जो है वो ऐड हो रहा है और मेरी सॉस जो है बहुत अच्छा बन रही है। साइडों से भी करते हैं जो आपकी सॉस साइड पे लग जाए या वो जो मिक्सचर है ऑयल और मैदे का, कोशिश करना उसको बाद में उबाल लें। मिक्स उसमें हो ही जाना है अपने लो फ्लेम के ऊपर। इस टाइम ये इसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी नॉर्मल पतली है, थिक नहीं हुई, थिक ये थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता बाद देर में होगी। मिल्क अंदाजे से कितना लेना? मिल्क कम अज़ कम हमने जो लेना है 300 to 350 ml के करीब ले रहे हैं। मिल्क आप जितना भी ले लें, जब आपका ऑयल और मैदे के साथ आपकी मिक्सचर रेडी हो चुका है तो कम से कम इसके साथ आप अपनी 1 लीटर सॉस रेडी कर सकते हैं बहुत अच्छी मिकदार में। मैंने बिल्कुल अच्छी तरह साइडों से भी उतार ली है और ये मेरा नीचे कहीं भी नहीं लगी हुई सॉस और मिल्क जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना यूज़ कर लिया। ये अब लो फ्लेम पे है और ये थोड़ी देर में थिक होना शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में ये जैसे ही थिक होगी थोड़े से हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे, लाइक सॉल्ट, रेड क्रश चिल्ली, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर। ये हम जितने ये स्पाइस हैं ये हम इसमें ऐड करेंगे। मेरे पास सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर एक है वो मिसिंग है। वो कोई भी आप मिल्क पैक क्रीम, हलीम, ऑल पर क्रीम, क्रीम जो है फ्रेश क्रीम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कम से कम 100 ml के करीब वो सबसे एंड पे आप क्रीम मिक्स करेंगे ताकि उससे टेस्ट और बहुत अच्छा आपका आता है और जो पास्ता रेडी होता है वो बहुत अच्छा रेडी होता है। मेरी था हर मेरे पास ये देखें। सबसे पहले जिस तरह अभी पिछली वीडियो में अभी देखा था कि सॉस थिक हो रही थी और फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो किया था, थोड़ा सा मैंने फ्लेम को तेज़ किया क्योंकि थोड़ा जल्दी काम मुझे ख़त्म करना है इसलिए। और ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी गाढ़ी क्वांटिटी में जो मिकदार है वो फुल थिक हो चुकी हुई है। इसके अंदर मैंने आपको पहले ही वीडियो में और तस्वीरों में दिखाया है कि मैंने अपने लिहाज से स्पाइस ऐड किए हैं। उसमें रेड क्रश चिल्ली, हसबे जायका, नमक, हसबे जायका आप कैसा लाइक करते हैं, बिल्कुल लाइट लाइक करते हैं, मीडियम स्पाइसी, हाई स्पाइसी, वो आपके ऊपर है। रेड क्रश चिल्ली, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, ये 4 स्पाइस मेरे पास थे। ऑरिगानो नहीं था, वो नहीं था। मैंने इसके अंदर एंड पे मैंने इसके अंदर जब ये थिक होना शुरू हुई है ये देखें, मैंने इसके अंदर एडम्स वालों का एक चैटर चीज़ का पूरा स्लाइस रखा है, वो मेल्ट हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मेरी सॉस फुल ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है, ये गाढ़ी हो गई है।
इसको मैं मज़ीद गाढ़ा नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मैं जितना पकाऊँगा ये उतनी ही ज़्यादा थिक हो जाएगी, और बाद में ये बहुत ज़्यादा थिक हो के ये यूज़ दोबारा करने में मुझे थोड़ा इशू होगा, लिहाजा मैंने इसको अपने लिहाज से जितनी मुझे थिक चाहिए मैंने उस लिहाज से ये क्वान्टिटी रेडी कर लिया है। अभी मैं विनीगर ऐड करने लगा हूँ। ये रहा हमारा विनीगर, ये आप बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करते हैं, अगर विनीगर भी ऐड करते हैं और थोड़ा सा नमक भी ऐड करते हैं तो चिकन बहुत अच्छा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। अभी हम लेते हैं वक्फा और अब मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। अब मैं चिकन अपना रेडी करने लगा हूँ। मैंने वाइट सॉस जो है बहुत मज़े की, बहुत यम मैंने रेडी कर दी है, और अब मेरा ये जो चिकन था इसको कम से कम 20 से 25 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सोया सॉस वगैरह की इसके अंदर। ऑलरेडी नॉन स्टिक मैंने एक फ्राई पैन लिया और जिसमें ये चिपकेगा नहीं, ऑयल इसके अंदर मैंने ऑलरेडी लगाया था लिहाजा ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने चिकन अपना डाल दिया, इसको जैसे ही आप डालें थोड़ा थोड़ा आप हिला दें। सबसे बड़ी इसकी चीज़ ये है कि जब थोड़ी देर में ही ये अपना कलर बदलना शुरू हो जाएगा, टोटली ये वाइट हो जाएगा चिकन, इसका मतलब ये कुक होना शुरू हो गया। और उसके बाद आपने इसके अंदर अपने चाहें तो आप सॉस के अंदर कैप्सिकम मशरूम ऑलिव्स को ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये तरीका है जब ये चिकन 90% बन चुका हो तो आप इसके अंदर अपनी कैप्सिकम, आप इसके अंदर अपने ऑलिव्स, आप इसके अंदर अपने मशरूम, आप इसके अंदर अपने एलापिनो सब ऐड कर दें। ये एक मिक्सचर अच्छा रेडी हो जाएगा पास्ता के लिए। सिर्फ सॉस के अंदर आप अपना पेने पास्ता, जिसे सलांटी पास्ता भी कहते हैं या पेने पास्ता कहते हैं, वो आप सॉस में ऐड करें, देन ये चिकन का मिक्सचर ऐड करें और देन उसको ट्विस्ट करें और उसके बाद अपना सर्व करें और उसके बाद इंजॉय करें। सबसे आसान हल है। इस टाइम ये चिकन जो रेडी हो रहे जब ये रेडी हो जाएगा इसको मैं एक साइड पे कर लूँगा। मैंने आपको बताया इसमें जब रेडी होने वाला होगा 90% हो चुका होगा तो मैं इसके अंदर अपनी कैप्सिकम, अपने मशरूम, एलापिनोज, ऑलिव सब ऐड कर दूँगा ताकि ये रेडी अच्छा सा मेरा मिक्सचर हो जाए और मेरे लिए आसानी हो कि मैं इसको सॉस में जस्ट पेनी पास्ता के साथ मिक्स करूँ और सर्व करके अच्छे से इंजॉय कर सकूँ। चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और फिर हमने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दी। रेडी कर लिया है। अब मैं इसके अंदर अपना पास्ता ऐड करने जा रहा हूँ जो कि मैंने पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था, पेने पास्ता, सलांटी पास्ता जिसे कहते हैं। पास्ता मैंने कंप्लीट ऐड कर दिया। अब मैं पास्ते को एक दफा ट्विस्ट करूंगा।
अपनी व्हाइट सॉस के साथ आप देख सकते हैं, वाव इतना प्यारा और बेहतरीन मिक्सचर लग रहा है। अंदर ऑलिव्स भी ऐड कर दिए, ऑलिव्स मैंने ऐड कर दिए थे चिकन के अंदर, मैंने ऑलरेडी कैप्सिकम मशरूम एलापिनोस ऐड कर दी हुई थी। अब मैं चिकन का मिक्सचर इसके अंदर ऐड करूंगा। ये मैंने चिकन का मिक्सचर भी ऐड कर दिया। ये आप मेरी पास्ता की लुक देख सकते हैं कितनी यम लग रही है। मैं फाइनल इसके अंदर मैं आपको बताया था चीज के दो स्लाइस होंगे, एक मैंने पहले सॉस में ऐड कर दिया था, एक मैं अब ऐड करने लगा हूँ। ये मैंने चीज ऐड कर दी है और ये एडम्स की चटर चीज है जो कि पास्ता में यूज होती है। थोड़ी सी एलापिनोस मजीद ऐड कर रहा हूँ ताकि और अच्छा हो जाए फ्लेवर वगैरह। थोड़ी सी मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूंगा, खाने में अच्छी लगती है। मेरा पास्ता फाइनल रेडी हो चुका हुआ है, इसकी आप लुक देख सकते हैं। सारा कुछ मैंने मैं ऐड कर दिया है, चीज ऐड हो गई, चीज मेल्ट हो चुकी। अब मैं इसको फाइनल जो है इसको मैं एक शीशे के मिरर के बॉल में निकालूंगा और इसको डेकोरेट करके उसके बाद अपने छोटे भाई को एंजॉय करवाऊंगा, खुद साथ एंजॉय करूंगा, साथ आपा एंजॉय करेगी, फिर हम रिव्यूज बताएंगे, ये मैं नहीं ये लोग ही बताएंगे कि कैसा था। ओके अल्लाह हाफिज। कैसा है चिकन का टेस्ट? बहुत ही ज़बरदस्त पास्ता बना है एक्चुअली, वाइट सॉस और जो अंदर इंग्रेडिएंट्स थे और चिकन भी बहुत अच्छा मैंने दिया। हाँ जी है या नहीं? अब मैं खा के बताऊँ। अब मैं खा के बताऊंगी कि कैसा बना। सही वाला है कोई नहीं, अभी क्रीम और ही गाना। बहुत 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 जबरदस्त जी भी, ऐसे तो भाई फेर दी। क्या टेस्ट है, नेवर बिफोर इन। ये पैक करवा के मुझसे लेकर गया था।